तो भाई आज के मैच के बाद एक चीज कंफर्म हो गई है कि रोहित भैया के शासन में डेब्यू कैप बटेगी राशन में। भैया चार डेब्यू खिला दिए हैं अब तक की टोटल, और जो नया डेब्यू आज खिलाया उसने भी तहलका मचा दिया। जो जो डेब्यू कर रहा है भाई, बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डिंग हो, विकेट कीपर हो, सब भाई गर्दा गर्दा मचाया यार। आज तो भाई अक्षदीप ने क्या बॉलिंग कराई है भाई। हालांकि अक्षदीप की स्टार्टिंग वो क्रॉली की बिल्लियां उड़ाने के बाद भाई एक गिल्ली उधर से हुई थी, बट बेचारे यार वो नो बॉल निकली। बट शुरुआत में ना दीप की बॉल कोई खेल ही नहीं पा रहा था भाई, अनप्लेबल लग रहा था वो। जो उसकी इनस्विंग आ रही थी ना, वो इनस्विंग अनप्लेबल थी। जो टप्पा डालने के बाद जो तेज निकल रही थी ना गेंद, 140 वैसे ही वो फेंक रहा था, और टप्पा डालने के बाद वो तेज निकल रही थी, वो स्किट मार रही थी, वो जो सर जो बुमरू की हमारे की बॉल होती है ना, वो टप्पा खाने के बाद और तेज आती है। जलवा है हमारा, मतलब बहुत शानदार यार। बस मेरे को 27 साल का नहीं लग रहा था, वो 27 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, बट वो तो उम्र तो किसी की नहीं लगती है, सब शाहिद अफरीदी हैं इंडिया के। पता नहीं 27 के तो नहीं लगे, वो मुझे थोड़ी सी बात खटकी उनकी, बाकी तो व्हाट अ डेब्यू यार, व्हाट अ डेब्यू, इससे अच्छा क्या डेब्यू हो सकता है। और बेसबॉल क्रिकेट आज बहुत ही शानदार दिखा हमें, रूट ने 100 रन बनाए 50 बॉलों में। रूट फाइनली चल गए, और बेसबॉल बताया है इंडिया ने कि बेसबॉल यहाँ पे नहीं चलता है, टुक टुक करोगे तो रन बनाओगे। टुक टुक नहीं, सेंसिबल क्रिकेट खेलो भाई। तुम्हारी बॉल अगर उस पिच पे बाउंस नहीं हुई है स्पिनर्स की, तो उस पिच पे स्वीप नहीं खेले जा सकते भाई, वो बॉल ही बाउंस नहीं होगी। तुम स्वीप खेल, क्योंकि जॉनी बेस्ट हो, एक ही शॉट आता है जॉनी बेस्ट को स्वीप भाई, उसको तो ड्रॉप करना चाहिए अब यार, उसको बहुत दे दिया भाई। तीन चौथा मैच है भाई, तुम इसमें भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, चल ही नहीं रहा है भाई। 40 से ज्यादा रन नहीं बनाया उसने, 40 रन भी एक आज बना दिया भाई। एक मेंटेलिटी होती है खेलने की यार, कि मतलब तुम किस मेंटेलिटी से खेल रहे हो भाई। जो रूट इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसने आज वो बेसबॉल ही खेल रहा था पूरे तीनों मैच, पर वो समझ गया भाई, आज उसने समझा कि भाई ये पिच नहीं है मारने वाली, इस पिच पे हम नहीं मार, बहुत ही सिंपल है कि भाई सेंसिबल खेलोगे, बॉल देख के खेलोगे, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट करोगे, ये नहीं कि आड़ा टेढ़ा घुमा दिया। और तुमसे भाई जहां खेला नहीं जाती है, फिर तुम्हारे कुछ इंग्लैंड के वो है ना, सोशल मीडिया आइडल एक्सीलेटर, कुछ कहना नहीं चाहता बट ये पिच बहुत बेकार है। अरे भाई मैच तो पिच का रोना शुरू कर देंगे भाई, आज चाहिए हर जगह पे, तुमको अपने घर जैसी पिचेस चाहिए हर जगह पे। हालांकि आज ये देखने वाला है कि इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने कमबैक दिलाया है, जहां पे लग रहा था कि 200-250 मुश्किल से बन पाएंगे, हाँ ऑल आउट हो जाएंगे, वहां पे वो 302 ले गया, और मुझे लगता है कि कल सुबह जब ये खेलने आएंगे 50-60 रन तो जोड़ेंगे, आराम से जोड़ देगा भाई। अभी बचा है, अभी पूरे दिन की थकावट कम होगी उसकी। हालांकि एक थोड़ा सा मुझे चीज लगी है कि कुलदीप यादव को मौका कम मिला। हाँ कुलदीप यादव उतनी बॉलिंग नहीं, आज मेनली जडेजा के साथ ही गया है, लेफ्ट आर्म बॉलर के साथ ही मैक्सिमम, रोहित शर्मा और दीप को भी बहुत बॉलिंग मिली है। अश्विन और कुलदीप को एक साइड से एक फेज लगा सकते थे। मुझे लगता है ना कि शुरुआत में हमारे अक्षदीप चल गए थे ना, इसकी वजह से उनको और ट्राई दिया, वो तो देना था भाई। तुम इतनी अच्छी बॉलिंग करा दोगे यार, तो तुम डिजर्व करते हो, बहुत बढ़िया बॉलिंग करा दिया यार। तुम 17-20 ओवर करा दोगे। क्रॉली को जिस गेंद में नो बॉल पे वो आउट हुआ था, फिर से वैसी गेंद पे आउट किया, बड़ी बात है भाई यार, वो उसी गेंद से डर रहा था क्रॉली। और अगले में जो पॉप को भाई उसने आउट किया है भाई, वो LBW 3 मीटर आगे था, वो तो किसी कप्तान को मनाना ही उस रिव्यू के लिए बहुत बड़ी बात है। रोहित ने वो लिया, हालांकि आज रोहित शर्मा जज्बाती दिखे, उन्होंने सारे रिव्यू, सारे जो इंग्लैंड के बेस्टॉक बने हुए थे भाई ने सारे रिव्यू गवा दिए हैं। और जहां पे एक बंदा आउट था जडेजा की बॉल पे, शायद उसको मैं नाम भूल रहा, रॉबिनसन, वो रिव्यू नहीं बचा था हमारे पास और वो भी उसमें भी रोहित शर्मा बोला बल्ला लगा यार, बल्ला और वो रिप्ले भी आ चुके हैं कि भाई बल्ला नहीं आउट था, अरे बल्ला था यार, मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा बेस्ट है भाई, इन फील्ड ऑफ फील्ड बेस्ट है, मुझे तो बेस्ट लगते हैं। हालांकि देखा जाए मोटा मोटा यही, इंग्लैंड ने बहुत ही शानदार कमबैक कर लिया आज, जहां से उनकी 4-5 विकेटें इतनी जल्दी उठ गई थी, 100 रन के अंदर 4-5 विकेट उठ गई थी, उसके बाद 302 लगा देना रूट की बदौलत, रूट के साथ बेन फोक्स ने साझेदारी करते हुए भाई बहुत ही रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले आए हैं, और ये इंटरेस्टिंग होने वाले मैच। हालांकि इंडिया को ये चाहिए कि यहाँ पे ये विकेट निकाले जल्दी, और वहीं पे इंग्लैंड को चाहिए कि वो 400 का सोचे, अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो। टफ होती जाएगी आज, बहुत अनुकूल थी बैटिंग के लिए पिचेस, और पर बॉलिंग के लिए भाई बहुत अच्छी पिच है यार, ये क्या बॉल निकल रही है भाई, स्पिनिंग के लिए बहुत तगड़ी होने वाली।
नहीं, लोग सोचते थे फास्ट बॉलर की डेब्यू हमारा बाहर हो, पर इंडिया में डेब्यू होकर के क्या टप्पा मिल रहा है भाई। यार बहुत बहुत इंप्रूव किया हमारी फास्ट बॉलिंग ने भाई पुराने टाइम से। पहले ये था कि स्पिनर, इंडिया में स्पिनर और विकेट कौन लेके जा रहा है, बुमरू। हमारे सबसे ज्यादा इंडिया के लिए विकेट किसकी है इस सीरीज में, बुमराह की। किसने सोचा था पेसर टॉप पे बैठा होगा इंडिया की सीरीज में। और भाई जो दीप जी का हमारा जो डेब्यू हुआ इतना शानदार, सिराज अच्छी, आज थोड़े महंगे रहे सिराज बट शानदार बॉलिंग। हालांकि अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेटें चटका ली हैं, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट हो गया भाई। अश्विन गोट है भाई, अश्विन हर मैच में अचीवमेंट करते जाएंगे, पांचवा टेस्ट मैच खेलेंगे उनके 100 टेस्ट मैच पूरे हो जाएंगे। मैं अश्विन को अलग ही रखता हूँ उनके, मतलब ऐसे नाम लिया जाएगा अश्विन सर, भाई सर वो बहुत अलग लिया भाई अश्विन। अश्विन, रोहित, कोहली, ये दो तीन प्लेयर है टीम इंडिया में जो ये हालांकि कोहली का भी आपको पता चल गया होगा कि उनके बेटे हो गए हैं, मुबारक हो। और लोग कह रहे हैं कि वो लोगों का यहाँ तक कहना है कि वो बैटिंग करने आए हैं, उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है अकाए बेटर देन बाबर आजम, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। तो ठीक है, मोटा मोटा यही है। आप बताएं आपके कितने इंप्रेस हुए हैं दीप जी की डेब्यू से, और इंग्लैंड ने बेसबॉल को साइड में रखकर रूट जिस कैलिबर के बैट्समैन खेला है, और उन्होंने बताया आज 10वीं सेंचुरी इंडिया के खिलाफ किसी प्लेयर की सबसे ज्यादा सेंचुरी रूट की 10 हो गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी नोट पे एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस मैच के ऊपर पहले दिन पे। तब तक के लिए जय हिंद।